हेलो दोस्तों, आज हम जो सर्जरी करने जा रहे हैं, दैट इज ए डेविएटेड नोज, क्रूकड नोज। डेविएटेड नोज एंड क्रूकड नोज का मतलब है कि हमारा जो नोज है वो स्ट्रेट नहीं है, वो या तो उसमें कोई कर्व है, वो एस शेप है या सी शेप हो सकता है, या वो हमारा जो फेस है उसमें मिड लाइन में नहीं होके एंड एक तरफ जा रहा हो। जैसे अगर हम इस पिक्चर में देखते हैं तो जो हमारा पेशेंट है उसका जो नोज है वो आइडियली ये नोज ऐसे होना चाहिए, बट ये नोज यूं है, दैट इज द डेविएटेड नोज। एंड अगर हम इस नोज को देखते हैं तो ये फेस के बीच में नहीं होके वो लेफ्ट साइड में जा रहा है, एंड ये नोज की जो है यहाँ विड्थ है वो भी हमारे फेस के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा है। एंड देन ये टिप पे आते हैं तो ये टिप भी एसिमेट्रिकल है, यहाँ पे क्या इस पे गड्ढा हो रखा है, डिप्रेशन है, एंड ये टिप क्रेस्टेड है। अगर हम दूसरे व्यू में देखते हैं, इसमें अगर हम देखते हैं तो देखिए ये जो दोनों तरफ नोस्ट्रिल है जो घोटने हमारे बनाए, दैट शुड बी इक्वल, बट ये इक्वल नहीं है, ये अनइक्वल है, बिकॉज ये जो नाक के बीच का जो सेप्टम जो है आगे की जो वो यहाँ जो होना चाहिए वो यहाँ आ रखा है। इसको मेडिकल लैंग्वेज में कॉडल सेप्टम डेविएशन बोलते हैं। और अगर हम इसको दूसरे व्यू में चेक करते हैं तो देखिए ये जो नोज का जो है ये बम्प है, दिस इज द बम्प ऑन द नोज, जिसको हम हम्प बोलते हैं। तो ये जो पार्ट है इसके कारण क्या है कि ये एक्सिस है यहाँ पे, इसमें फोरहेड और नोज के बीच में एक डिप्रेशन है, एक गड्ढा है, एंड नोज ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इसको क्या पुश कर रखा हो, धक्का मार रखा हो। सो दिस इज द हम्प नोज एंड द डेविएटेड नोज। हम इसको और दूसरा इसमें देख सकते हैं कि ये दूसरा जो व्यू है उसमें देखेंगे ये नोज होट के बीच का पार्ट, तो आइडियली हमारा नोज यो होना चाहिए एंड ये दोनों तरफ इक्वल बराबर होना चाहिए, बट ये पूरा का पूरा नोज यो जा रहा है, सो दैट इज ए डेविएटेड नोज। एंड ये यहाँ पे टिप पे इसके जो डिप्रेशन है दैट इज ऑल्सो द डिफॉर्मिटी। सो ऐसे नोज की दोस्तों जब हम सर्जरी करते हैं तो इसमें क्या है कि एक सेप्टो राइनोप्लास्टी सर्जरी के माध्यम से इसमें क्या किया जाता है, यहाँ पे नोज पे एक कोलोमेला पे एक छोटा इंसिजन लगा के नोज को पूरा ओपन किया जाता है। देन उसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन से पार्ट में उसको जो है कहाँ कहाँ पे जो है उसमें प्रॉब्लम है, डिफॉर्मिटी है। मोस्ट प्रोबेबली ऐसे केसेज में हमारा जो सेप्टम होता है उसको क्या है कि जो एक्सिस पार्ट है उसको रिमूव किया जाता है और जो बाकी जो पार्ट है उसको मिड लाइन में शिफ्ट किया जाता है, जिससे हमारे नोज का फ्रेमवर्क है वो स्ट्रेट हो। एंड देन जो हमारा ये बोन है जो एक तरफ जा रखा है, इसको एक ऑस्टियोटोमी है, ऑस्टियोटोमी के माध्यम से इसको स्ट्रेट किया जाता है। और जो नोज पे जो बम्प है उस पे क्या है हार्मोनिक एक जो राइनोप्लास्टी है, उस हार्मोनिक राइनोप्लास्टी के माध्यम से जो है उसको ठीक किया जाता है। सो बेसिकली ये सेप्टोराइनोप्लास्टी सर्जरी है जिसके माध्यम से इसको हम ठीक करेंगे। थैंक यू।